नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आपण मानक गोटे अति चमत्कार प्रसंग नहीं महाभारत पृष्ठभूमि कथा भारी बढ़िया कथा मन दे कि शुणवे कौन कृष्ण द्रौपदी अपमान चाहूले कि द्रौपदी गोटे ना हूँ कृष्णा एवं भगवान गोटे ना हूँ कृष्ण आज्ञा कथार कहते कृष्ण कृष्णा पाई हेला भारत समर ये दीज हूँ नायक नायिका महाभारत युद्ध कहीं द्रौपदी ना कृष्णा कहीं कृष्ण प्रिय सखी हो द्रौपदी गोटे ना हूँ कृष्णा किंतु महाभारत पृष्ठभूमि आपण समस्ते जानते गोटे चर्चित घटना घटी भरा कुरुराज सभा द्रौपदी वस्त्रहरण जो घटनार ना भूत अच्छे ना भविष्य अच्छे ना अतीतर के ना आगामी भविष्य के एक पर्वरचित घटना घटव नाई आज्ञा एमती एक नृशंस लोमहर्षणकारी चर्चित घटना को भगवान कृष्ण नीरव द्रष्टा भावे देखी शुणी नीरव रही शेषे गोटे वस्त्र लज्जा निवारण कले कहीं प्रथम रू कौन कृष्ण चाहते या को एड़े पार तेब कौन कृष्ण द्रौपदी अपमान चाहूले कि आज्ञा एमती अनेक प्रश्न को नहीं आज आम पुराण गंठी गंठी पड़ी कृष्ण द्रौपदी अपमान चाहूले कि आसतु पुराण चर्चा को जीवा एवं ए गंठी को खुलवा द्रौपदी हूँ यज्ञ अनल सम्भुता यज्ञ सेनी पांचाल कटकर राजा द्रुपदंकर नंदिनी विवाह कले पंचु पांडव को आज्ञा कहीं पंच पांडव को विवाह कलापर द्रौपदी का जीवन दुखमय हो गला कौन पाई ना समय क्रमे पांडव एवं कौरव मानक मध्य भातृ बिवाद देखादेला जो भातृ बिवाद परिणाम है भयंकर पशा खेल द्यूत क्रीड़ा आज्ञा चारिटा कथार जीवन अंत घटे जितेबले निकट फल फूल धरे शाड़ी रंभा कर्कटटा वेणुनाल विनाश काले फल मुदती तथा मनुष्याणा विनाश काले द्यूतं च मद्यं च परस्त्रियं च शाड़ी शाड़ी अर्थ शस्य धान 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 जिते बड़े फल धरे आज्ञा से धान गच्छ रोहे मृत्यु आसन्न हो जाए रंभा कदली गच्छ जिते बड़े भंडा पड़े बा कदली कांदी पड़े फल धरे कदली गच्छर मृत्यु समय पहुँची जाए कदली गच्छ मूल रू काटि दिया जाए आउ कौन कर्कटिका कईच गच्छर फूल धरले कईच गच्छर मृत्यु समय आसी जाए बेणुनाल बोलते बाउंश गच्छ जिते बाउंश गच्छर फूल फल आसे से बाउंश गच्छ मृत्युमुखर पड़े सुतरा मनीष जीवन ठीक सेमती आज्ञा द्यूतंच मद्यंच परस्त्रियंच जिते मनीषर विनाश समय आसे से द्यूत क्रीड़ा करे मद्यपान करे पर स्त्री को अपहरण करे लाछना अपमानिता करे ठीक सेमती दुर्योधन कपट पशापाली पांडव मान सर्वस्व हर द्रौपदी को बाजी लगेदे द्रौपदी को मध्य बाजी रे हरी पांडव मान वनवास को जीवा बाध्य द्रौपदी को ए मूर्ख दुशासन भिड़ी ओटारी नहीं भरा राजसभा तले बिवसना करार प्रचेषा कला से द्रौपदी हाथ जोड़ी प्रथमे पांच स्वामी निकट रे साज्य भिक्षा मागी हे मोर पंच स्वामी तमें पर हूँ आर्यावर्तर श्रेष्ठ योद्धा मुझे तुम मानक एक पत्नी निजर पत्नी को ये भरा राजसभा तले बिवसना करा जाऊँ तुम्हें मैंने समस्त देखी शुणी नीरव दर्शा साजिश आकुले केते कांदीले निज जनंकु निंदीले
बोइले नाही कि आखी पंडु नंदन कि भुज विक्रम कि लागी देखाओ धम विवशना करिबाकु थाए अधम आखिरु धार धार लुह गड़े सेदिन पांडव घरणी द्रौपदी महाराणी कहले हे धर्मराज तमें परा धर्मर रक्षक मु तुमर जाज्ञसेनी मु तुम पत्नी ये भरा कुरु राजसभा तले विवसन हाबाकु जाउछि तमें देखी शुणी नीरव द्रष्टा साजिछ को धर्मशास्त्र रे कथा लेखा अछि हे तृतीय पांडव अर्जुन तुम्हें परा अर्जावर्तर श्रेष्ठ धनुर्धारी कौन पाई तुम गांडीव धनुर टंकार आज लिभि जाइछि हे वृकदर भीम तुम बाउन भार गदार पराक्रम कौन कड़े लोप पाई जाइछि हे नकुल सहदेव समस्ते नीरव द्रष्टा साजिछ छी देख तुमर पुरुष पणिया को यही पाई राजस्वीज यज्ञ करथिलो तुम माने गोटे नारी गोटे अबला गोटे पत्नी को जो स्वामी सहायता दे न पारे से को स्वामी रे गुणा धिक्कार कले से दिन यज्ञसेनी पंच पांडव को पंच स्वामी को किंतु समस्त नीरव पंच स्वामी मथा नत करी द्रौपदी समस्त कटुक्ति को श्रवण करुथिले सिना किछ करिवार उपाय नथिले से माता निकट रे निराश्रय द्रौपदी हाथ जोड़ी कांदी कांदी जाई पहुँचले पितामह भीष्मंग निकट रे कहले हे पितामह तुम्हें परा कुलवृद्ध मु परा ये कुरुवंशर कुलवधु गोटे वंशर कुलवधु आज निर्जातिता होछि अपमानिता होछि तुम नीरव द्रष्टा साजिछ धृतराष्ट्र सेना जन्मांध हेले आपणकर परा दृष्टिशक्ति अछि आखि अछि सबु देखि सुनी केमिति नीरव साजिछंती किछ करंतु ना पितामह भीष्म नीरव कारण पितामह भीष्म थिले प्रतिज्ञाबद्ध हस्तिनार सिंहासन सुरक्षा दायित्व रे थिले बा सुरक्षा पाई प्रतिश्रुतिबद्ध थिले निज पिता शांतनु को निकट रे सेति पाई नीरव द्रष्टा साजी तल को मुह कर बसिले पितामह समस्ते नीरव काहारी मुहरु पदुटिए वाक्य स्पुरु नाही जणे छिड़ा हेले चित्कार करि प्रतिवादर स्वर उत्तोलन कले किए सी से जनक होती खुल्यताप विदुर कले ए दुर्योधन अरे मूर्ख पापाचारी कौन करुछु तु कुलवधु द्रौपदी को विवसना करने जाऊ अरे जानिछु गोटे नारी आखिर लुहरे ये संसार भासी जाई पारे सामान्य नुहे पतिव्रता महिमा राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद रही न पारे तही काहा गरिमा राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद विदुर कहले ए मूर्ख दुर्योधन दुशासन अरे गोटे नारी को विवसना कर लाछित अपमानिता करार परिणाम कौन तमें बोधे जानिना सारा संसार रे नारी जाति होछि समस्त आदरणीय पूजनिया मातृवत पर दारेशु पर द्रव्य सुरुष्ट्रवत आत्मावत सर्वभूतेषु जहा पश्यति सह पंडित रे मूर्ख
नारी को मातृवत ज्ञान कर, पर द्रव्य को विषतुल्य ज्ञान कर, तेबे जाई सिना मनुष्य हब। अरे नारी समाज रे आदरणीय परम अर्चनीय विदुर परामर्श दौंते दुर्योधन दुशासन को नारी निर्यातना करवा हूँ सबुठार बड़ महापाप। रे मूर्ख पापाचारी तुम्हें कार्यर विरत हुआ। जौवन धन संपत्ति प्रभृतम अभिवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमुहु जत्र चतुष्टयम्। जौवन विवेक पदवी एवं अभिवेकिता ये चारिटा कथा प्रत्येक होचंते अनर्थर कारण। आ जो उठी चारिटा जाक थिबो सेठी तो अनर्थ ही अनर्थ ना। दुर्योधन निकट रे चारिटा गुण थिला, जौवन थिला, धन संपत्ति थिला, प्रभुत्व थिला एवं अविवेकिता थिला। जोंथि पई से विदुर को ताच्छल्य करी कहला, ओ ओ कुल्यदात्त कौन बेसी भाषण दौच बा, द्रौपदी को आम पोषा पाली रे बाजी जीतीछु। द्रौपदी हूँ आम पादर दासी पद सेविका, आम ताप्रति जहा कि कले भी केबे भी अन्याय हबनी। तुम जाओ राजसभा विदा निय। विदुर को अपमानित तो करी से दिन राजसभा विताड़ित तो करी देला दुर्योधन। तापरे आरंभ हला इतिहास से चर्चित तो घटना द्रौपदी वस्त्र हरणर कथा वस्तु। निराश्रय मांग जगदीश रक्षीय, निराश्रय ही पड़िले द्रौपदी महारानी। पंच स्वामी पाखु निराश, पितामह पाखु निराश, कौन करिवे निज मान निजे रक्षा करने चेष्टा कले। निज छाती गोटे हाथ को चापी रखी आउ गोटे हाथ ऊपर को टेकी डाकुंट, हे केशव, हे कृष्ण, हे भगवान, उद्धार कर प्रभु। भसिली भव जले बुड़िली चिंता जले, भसिली भव हे प्रभु बुड़िली चिंता जले, करुणा नाप देई द्रौपदी महारानी कांदी कांदी आखिरे लुह गड़े निराश्रय डाकुंट भगवान को, हे प्रभु ये दुखी दुख निवारण कर, ता लज्जा निवारण कर। किंतु गोटे हाथ को निज बक्ष देश में चापी धरी वैकुंठपुर लक्ष्मी ठाकुराणी डाकिले विष्णु को, हे प्रभु छुआटा ये विकल होकर तुमको डाकुची जाना खंडे लुगा दे कि तार मान रक्षा करूना। विष्णु कहले कहले लक्ष्मी द्रौपदी कौन मत डाकुचे नाई मो तार निज उपर भरोसा एपर्त तुटनी निज मान रक्षा करने देखुना निज हाथा को किमती निज छाती चापी धरी आँ जी ताको साज्य करने। हाँ आज्ञा दर्शक बंधु प्रभु निकट जेपर्यंत भक्त टीए संपूर्ण भाव समर्पित न प्रभु केबे भी तार मान रक्षा करते ना सत्य। से नवधा भक्तिर शेष भक्ति हूँ आत्मनिवेदन भक्ति जहाँ से दिन बलिराजा करते निराश हो पड़े द्रौपदी। एणे दुशासन विकटाल हस हसी गर्जन कर द्रौपदी को वस्त्र धरी भिड़ा को उद्यत होराश्रा। द्रौपदी टेकदेले दुई हाथ को, प्रभु श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृपा विदेही मोहि पाप सिंधु, कृपा विदेही
रक्षम श्रीराश्रयमान जगदीश रक्षम श्रीराश्रयमान जगदीश रक्षम। प्रभु भगवान कृष्ण आखिर दीटा लुह खसी पड़ा कहले द्रौपदी रखिली रखिली तुम्ह मान को कौन कले कृष्ण अंतरिक्ष थी गोटे वस्त्र जोगेदे द्रौपदी महाराणी एणे दुशासन गोटिकपर गोटे गोटिकपर गोटे वस्त्र टाणुची एवं द्रौपदी श्रीअंग गोटिकपर गोटे वस्त्र आवृत हो जा आश्चर्य है सभासद वर्ग दुशासन वस्त्र टाणी 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 जितेबले दुर्बल हो पड़ा झाल पोछिकी कहला मामाश्री मामाश्री ये शाढ़ी है या नारी है अर्थ मामाश्री ये द्रौपदी शाढ़ी पिंधिचे ना ये गोटे नारी कौन शकुनी कहला धानजे ये शाढ़ी नहीं या नारी नहीं बीच में गिरधारी है अर्थ ये शाढ़ी नुह कि नारी नुहरे दुशासन मझीर पा गिरधारी कृष्ण अच्छी आ तू कौन ताकू विवसना करने चाहूँ ए आज्ञा सालबेकों पदटा ना आपण मैंने जाणी द्रौपदी लज्जा निवारण कले कुरु राजसभा आज्ञा से ही कृष्ण मूलर द्रौपदी को कहीं सा कले कौन पाई शेष पर्यंत अपेक्षा कले भरा कुरु राजसभा द्रौपदी लाछिता अपमानित है कोटी वस्त्र लज्जा निवारण कले कहीं कृष्ण एमती कले आज्ञा भगवान कहीना ए भक्त मोपाई खंडे चीरा कना जदि तू देदबू ताले मु तोपाई कनार पहाड़ गदा करदेवी से दिन अष्टपाट वंशी मेल भगवान कृष्ण हाथ रू टे रक्तस्राव है पाटवंशी मैंने समस्त कपड़ा खोजुं केमी कौन कृष्ण क्षत स्थान को बांधापी किंतु द्रौपदी महाराणी कले कौन निजर पाट शाढ़ी को चिरीदे खंडे से पाट शाढ़ीर चीरा कुनारे कृष्ण क्षत स्थान को बांधिदे रक्तस्राव बंद कर दे कृष्ण कही हे द्रौपदी मु तुम निकट में ऋणी रही आज चीरा कना खंडे तुम मोपाई दे काली सका मु तुम्हें गोटे वस्त्र देदेवी खाली एत नुह आज्ञा भगवान कृष्ण मध्य चाहूल द्रौपदी अपमानित हूँ तक आखिर दिधार लुह गड़ू ता नई मानवगोविंद दुर्योधन कांधर माँ लक्ष्मी कौन एत सहजे छाड़ था लक्ष्मी को कोल दुर्योधन थिबा पर्यंत केही भी तार अनिष्ट कर पार कथार ना आज्ञा बाप थिला पुओ सभारे हारेना बाप थिला पुओ सभारे हारेना मा कोले पुओ दुनिया डरेना मा कोले पुओ दुनिया डरेना तेणु जगज्जननी माँ लक्ष्मी को कोल दुर्योधन थिबा पर्यंत तार केही किछि भी क्षति करि परिबे नाही कृष्ण एक कथा भलो भाबरे जानिथिले आउ जेतेबेले द्रौपदी को अपमानित लांछिता करि दुर्योधन द्रौपदी को आखिरु लुह गड़ेला सेतेबेले माँ लक्ष्मी कहले दुर्योधन रे चंडाल मल्लुरे नारी को अपमान देलु नारी को लाछना देलु आउ मोर स्थान नाई तो निकट रे लक्ष्मी छड़ा ही गला दुर्योधन आज्ञा सती साधी पतिव्रता नारी आखिरु लुह न गड़िले ए संसार रे केबे धर्म स्थापन हो पारे ना दर्शक बंधु केवल दुर्योधन मृत्यु पथ को सुगम करने भगवान कृष्ण से दिन द्रौपदी अपमान परोक्षर चाहूल आज आम पुराण गंठीर गंठी थिला कृष्ण द्रौपदी अपमान चाहूल कि हाँ आज्ञा कृष्ण मध्य चाहूले द्रौपदी अपमानित हूँ लाछित हूँ ताको आखिर लुह गड़ू आम पुराण पृष्ठार ये गंठी को आम खोलू आज आम पुराण चर्चारू शिखिले कौन अन्याय अत्याचार को देखी नीरव रहा बड़ पाप संसार रे किछि नाही आज्ञा जहाँ से दिन पांडव पंच स्वामी एवं धृतराष्ट्र करिथिले आउ कौन भगवान को निकट रे समर्पित न होवा पर्यंत भगवान केबे भी भक्तर दुख मोचन करते ना आउ कौन शिखिले प्रत्येक नारी को मातृवत ज्ञान करिबा हुचि प्रत्येक पुरुषर परम धर्म दर्शक बंधु आज आउ समय साथ दौनी कार्यक्रम को आम ये विराम दौ आगामी अध्याय
पुराण पृष्ठ आउ गोटे सुंदर प्रसंग नहीं आपण मानक सहित साक्षात होब से जाए विदाय दिंतु समस्त को सप्रेम जय जगन्नाथ।